नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। अगर आप 10+2 पास हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या उसके लिए एग्जाम पैटर्न होते हैं, कितने टायर में उसका एग्जामिनेशन होने वाला है या फिर क्या उसका डिटेल सिलेबस है। और अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ तो यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस हम देखेंगे तो उनमें से भी कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा वो टॉपिक है जो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकता है या फिर किन टॉपिक्स के किन टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि किन टॉपिक्स और किन टाइप्स में हमें ज्यादा मेहनत करनी है, तो ये सारी चीजें आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो जान लेते हैं। तो अगर एसएससी सीएचएसएल की हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन 3 टायर के बेसिस पे होने वाला है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। तो सबसे पहले अगर बात कर जाए टायर 1 की, तो टायर 1 में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखने को मिलता है जो कि ऑनलाइन होता है, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर बात कर जाए टायर 2 की, तो टायर 2 आपका पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होने वाला है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जहां पर आप लेटर एप्लीकेशन राइटिंग या फिर एसे राइटिंग आपको करनी होगी, वो आप चाहे हिंदी में भी कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। वहां पर आपको एक लेटर या एप्लीकेशन लिखना होगा या फिर वहां पर आपको एक एसे लिखना पड़ेगा जो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर टायर 3 की बात करी जाए, टायर 3 में हमें स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिन पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल होगा, स्पीड टाइपिंग टेस्ट। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है एसएससी सीएचएसएल का। तो आइए एक एक करके इनका एग्जाम पैटर्न समझते हैं। टायर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से टायर 2 में एग्जामिनेशन होने वाला है, या फिर टायर 3 के लिए हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर इनका डिटेल सिलेबस और साथ साथ ये भी देखेंगे कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 1 एग्जाम पैटर्न। टायर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टायर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। और अगर चारों सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं, चारों सब्जेक्ट से आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो 25 आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 25, जनरल अवेयरनेस से 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 और जनरल इंग्लिश से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं वो होने वाले हैं 100। और वहीं पर अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो जो जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन है वहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा यानी कि 50 मार्क्स रहेगा, यानी कि एक राइट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन और नंबर कितने हो गए, कितने मार्क्स हो गए आपके, 50 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे लेकिन मार्क्स कितने रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में आपको मिलेंगे 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 लेकिन मार्क्स की वहां पर बात करेंगे 50। इंग्लिश लैंग्वेज में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे 100 लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे आपके, ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, पेपर 1। और अगर यहां पर हम बात करें एग्जाम ड्यूरेशन की, अब बात आती है एग्जाम ड्यूरेशन की, तो आपको 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जनरल कैंडिडेट्स को, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा होने वाले हैं, यानी के लिए उन्हें 80 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये है टायर 1 का पेपर पैटर्न। टायर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से, 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिए 100 हो जाते हैं, वहीं पर मार्क्स कितने कितने मार्क्स का पेपर होता है, ये 200 मार्क्स का, जिसका टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट फॉर जनरल कैंडिडेट्स, लेकिन अगर कोई पर्सन हैंडीकैप है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि उसके लिए पेपर का टाइम रहने वाला है, टाइम का ड्यूरेशन रहने वाला है 80 मिनट का। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जान लेते हैं, और क्या बताया यहां पर, कैंडिडेट्स आर गिवन अ टोटल ऑफ 60 मिनट टू सॉल्व द एसएससी सीएचएसएल टायर 1 पेपर कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चन दैट काउंट टू अ टोटल ऑफ 200 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसएससी सीएचएसएल पेपर होने वाला है, टायर वन पेपर होने वाला है, उसके लिए 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। 2 मार्क्स हर एक राइट आंसर के लिए आपको दिए जाएंगे। द ड्यूरेशन इज 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स हु आर विजुअली हैंडीकैप्ड। जो भी पर्सन हैंडीकैप होगा उसके लिए क्या रहने वाला है, 80 मिनट्स का टाइम रहने वाला है, यानी कि 60 प्लस 20 मिनट्स उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्लियर है ये बात? क्या सर इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है? जो हम पेपर देने वाले हैं, जो हमारा एसएससी सीएचएसएल का टायर वन का पेपर होगा, क्या वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल। फॉर ईच रोग अटेम्प्ट कैंडिडेट्स आर पेनलाइज्ड विद 0.5 मार्क्स इन द टायर वन एग्जाम। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी एक आंसर गलत करते हैं उसके लिए आपको पेनलाइज किया जाएगा, 0.50 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन सर अगर हम कोई आंसर अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, कोई आंसर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्या उसके लिए भी कोई नेगेटिव मार्किंग की जाएगी? ना ही तो आपके लिए, आपको उसके लिए कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, ना ही आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ना ही आपको उसकी कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी कि वहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ किस केस में होगी, जहां पर आप रॉन्ग आंसर करेंगे। तो ये तो था हमारा टायर वन पेपर की हमने बात करी है यहाँ पर। अब मूव करते हैं टायर टू की तरफ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, SSC CHSL Tier 2 exam pattern। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो SSC Tier 2 exam है वो कैसा है, descriptive type paper है, जहां पर आपको essay writing करनी होगी या फिर आपको application writing भी करनी है। तो अगर essay writing की बात करें, तो essay writing जो रहेगा आपका 200 से लेके 250 words आपको लिखने होंगे, और अगर letter writing या फिर application writing की हम बात करें, तो वहां पर आपको 150 से लेके 200 words का letter आपको लिखना होगा, letter या फिर application। तो दो चीजें आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है टाइप टू के एग्जाम में, कौन कौन सी दो चीजें हैं, या एसे और लेटर राइटिंग। एसे आपको 200 से लेकर 250 वर्ड तक का लिखना है, और वहीं पे लेटर या फिर एप्लीकेशन की बात की जाए तो 150 से लेकर 200 वर्ड तक का आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखनी है। जो टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं इसके, 50 मार्क्स मैक्सिमम। ये कितने मार्क्स का होने वाला है पेपर आपका, एसएससी सीजीएसएल का टाइप टू का पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसके लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट्स। तो चीजें क्लियर हैं यहाँ पर टाइप टू के पैटर्न को लेकर, टाइप टू के एग्जाम के पैटर्न को लेकर। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जानते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइप टू ऑफ एसएससी सीजीएसएल इज अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्टेड इन अ पेन पेपर मोड। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो सेकंड टायर टू पेपर है आपका एसएससी सीएचएसएल का, वो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो कि पेन पेपर मोड है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर टू वुड बी 33%, और अगर आपको टाइप टू एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एटलीस्ट 33% वहां पर स्कोर करने होंगे, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। द पेपर विल बी हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो कैंडिडेट्स वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि आप अपना पेपर हिंदी में देना चाहते हैं या फिर आप अपना पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो चीजें क्लियर हैं, आप जो आपका टाइप टू एग्जाम है, चाहे आप वो हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं, दोनों लैंग्वेज को मिलाकर लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। या तो आपको पेपर हिंदी में ही लिखना होगा या फिर आपको पेपर इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो सर किस टाइप के एसे, क्या क्या टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एसे राइटिंग के लिए? तो जनरली जो हम पिछले साल के, जो प्रीवियस ईयर हमने एनालाइज करे, वो किस किस टाइप के एसे आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर किस किस तरीके की लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। द एसे टॉपिक विल बी रिलेटेड टू द नेशनल इंटरेस्ट, कोई नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड, फाइनेंस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड, पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज, स्कीम्स एंड गवर्नेंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एसे राइटिंग के लिए। इसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर रहें कि किस तरीके से आपको एक एसे लिखना है, या फिर इन जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज रहे। इसी तरीके से अगर बात कर जाए कि किस तरीके की लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग हो सकती है, व्हाइल द टाइप ऑफ लेटर एप्लीकेशन आस्क विल बी द एप्लीकेशन कंप्लेन, कोई कंप्लेन एप्लीकेशन कंप्लेंट्स लिखवाई जा सकती हैं, सजेशंस आपसे लिखवाए जा सकते हैं, ऑफिशियल एप्रिसिएशन आपसे लिखवाया जा सकता है, फॉलो अप या फिर फीडबैक एक्सेट्रा आपको दिए जा सकते हैं। इस टाइप के टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग के लिए। तो टायर वन और टायर टू का हम एग्जाम पैटर्न देख चुके हैं, और ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से हमें एग्जाम करना है। आइए अब मूव करते हैं अपने टायर थ्री की तरफ।
नेक्स्ट क्या है, एसएससी सीएचएसएल टायर 3 एग्जाम पैटर्न। एसएससी सीएचएसएल टायर 3 वुड बी द स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट व्हिच वुड बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद द जॉब प्रोफाइल। तो ये क्या बताते हैं, टायर 1 आपको मैंने अभी बताया, टायर 2 आपको मैंने बताया, तो टायर 3 में क्या होने वाला है, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टायर 3 जो रहने वाला है वो आपका एक क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होने वाला है। सिर्फ ये इसका नेचर कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर है। और जो स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही ये होगा। टायर 3 विल बी अ स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट फॉर द क्वालिफायर्स ऑफ टायर 1 एंड टायर 2। जो भी कैंडिडेट क्या करते हैं, टायर 1 को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद टायर 2 को क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए ये स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। Candidates will have to qualify the test at the prescribed speed of on computer provided by the commission at the center venue is so notified. और candidates को क्या करना होगा, इस test को qualify करना होगा किसके according, जो speed उन्होंने बताई है, जो speed commission ने बताई है उसी speed के according अगर आप उस speed को achieve कर पाते हैं तो ही आप इस test को qualify कर सकते हैं। और ये कहाँ पर होगा, जो उन सभी exam center आपको बताया जाएगा, जो venue आपके admit card में दिया जाएगा। चीजें क्लियर हैं क्वालिफाइंग। तो किस तरीके से टायर 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है, आइए इसके बारे में और डिटेल ले लेते हैं। तो अगर बात करी जाए टाइपिंग टेस्ट की, फॉर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इज रिक्वायर्ड, फॉर हिंदी टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इज मैंडेटरी। द टाइपिंग टेस्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, LDC एंड कोड कलर पोस्ट। तो जो आपका मीडियम रहने वाला है इंग्लिश या हिंदी, वो आप जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तभी आपसे पूछा जाएगा, और बाद में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपने अपना टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश के लिए चुना है तो आपको इंग्लिश ही टाइपिंग वहां पर करनी होगी, या अगर आपने अपना टाइपिंग टेस्ट हिंदी में चुना है तो वहां पर आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो हिंदी में ही देना पड़ेगा। अगर बात की जाए, अगर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो आपकी स्पीड रहने वाली है, जो आपकी रिक्वायर्ड स्पीड है, वो कितनी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट वहां पर होनी चाहिए जब आपसे इंग्लिश टाइपिंग कराई जाए। या अगर आपने हिंदी टाइपिंग के लिए पोस्ट ऑप्ट करा है तो जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और किन किन पोस्ट के लिए ये रहने वाला है, किन किन पोस्ट के लिए स्पीड मैंने अभी आपको बताई, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, लोअर डिविजन क्लर्क और कोर्ट क्लर्क पोस्ट के लिए स्पीड रहने वाली है 35 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग, 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी टाइपिंग। लेकिन वहीं पर अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, डेटा एंट्री स्पीड ऑफ 80,000 की डिप्रेशन पर आर ऑन द कंप्यूटर, द स्किल टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट फॉर DEO इन C&AG ऑफिस, स्पीड ऑफ 50,000 की डिप्रेशन पर आर इज रिक्वायर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 15 मिनट्स। तो लेकिन वहीं पर अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो वहां पर जो आपकी स्पीड रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए, 80,000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 80,000 की डिप्रेशन पर आर, जो कि कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, जितना भी आप वहां पर टाइपिंग करेंगे, कोई स्पेशल करेक्टर्स आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, कोई नंबर्स आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, एक पैसेज आपको दिया जाएगा, एक पैसेज की हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी, जो आपको एज इट इज वहां पर टाइप करनी होगी। कितनी आप उसमें मिस्टेक्स करते हैं, कितनी आप हाफ मिस्टेक्स करते हैं, कितनी आप फुल मिस्टेक्स करते हैं, या फिर कितनी बार आप बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं, वो उन्हीं के बेसिस पर इस स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप कौन से ऑफिस में अप्लाई करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस में आप अप्लाई करते हैं, तो वहां पर जो आपकी स्पीड होने वाली है, जो आपकी रिक्वायर्ड स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, 50,000 की डिप्रेशन पर आर वहां पर स्पीड रिक्वायर्ड रहने वाली है। और इस टेस्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए जो टाइमिंग रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 15 मिनट। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, LDC या फिर कोर्ट क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड रहेगी 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की टाइपिंग की स्पीड रहेगी 30 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 8,000 की डिप्रेशन पर आर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए
C&AG ऑफिस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 50,000 की डिप्रेशन पर आर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस टेस्ट के लिए आपके लिए आपके पास रहता है टाइम 15 मिनट का, लेकिन अगर कोई विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसे 5 मिनट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टायर 1 का पैटर्न हमने देख लिया, टायर 2 का एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, टायर 3 के पैटर्न भी अब हम समझ चुके हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जो टायर 1 का सिलेबस होने वाला है उसे हम एक बार देखते हैं। तो SSC CHSL पेपर 1 की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो कितने सब्जेक्ट आपको पेपर 1 में देखने को मिलते हैं? जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो इनमें से सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर SSC CHSL सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन। द लॉजिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल थिंकिंग ऑफ द कैंडिडेट्स आर टेस्टेड इन दिस सेक्शन। द इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस सेक्शन आर, तो कौन कौन से टॉपिक हमें जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन से देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है नंबर सीरीज जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा आपके सिलेबस में, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम ऑन फिगरल पैटर्न, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, पजल्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉगी। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको बताए गए जो आपके सिलेबस में इंक्लूड करे गए हैं, SSC CHSL के सिलेबस में इंक्लूड करे गए जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन से। क्या सिर्फ यही 10 टॉपिक्स हैं जो जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन से हमें देखने को मिलेंगे या और कोई भी टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा? तो आपके सिलेबस में और इंक्लूड करा गया है कुछ इन टॉपिक्स को, जैसे कि पेपर फोल्डिंग, सिलॉग्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, असर्शन एंड रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर एंड लीनियर, वर्ड बिल्डिंग और ब्लड रिलेशन। तो टोटल 17 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन से जो आपके SSC CHSL के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो आइए अब अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस भी देखते हैं। जैसे मैंने बताया था सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, और साथ ही साथ बाद में हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन में, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किस टाइप का क्वेश्चन वहां से हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। एक बार हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस सेशन में कवर करेंगे। तो मूव करते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? SSC CHSL सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए, जब हम SSC CHSL के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं जनरल अवेयरनेस के लिए? तो सबसे पहले अगर बात की जाए इवेंट एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं या फिर कोई इश्यू हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, वो सारा आपको बताना चाहिए। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन से। कंट्रीज एंड कैपिटल, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्या उनकी कैपिटल है या फिर क्या उनकी करेंसी है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कंट्रीज, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी। इंडियन पॉलिटी भी आपको जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलता है। इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। इंडियन बजट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च से रिलेटेड, कल्चर एंड अवार्ड्स एंड ऑनर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस, इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन हिस्ट्री। तो कुछ इस तरीके से हमें पूरा कंबाइंड देखने को मिलता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन। लेकिन जनरली स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर इंडियन पॉलिटी से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, या फिर हिस्ट्री या फिर साइंस से रिलेटेड कौन से टॉपिक हमें अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए प्रिपेयर करने हैं। काफी ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट्स को लेकर। वो एक बार ये तो समझ जाते हैं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे, सिलेबस में यही हमारे मेंशन किया गया है। लेकिन इंडियन पॉलिटी से कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, कौन से टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, साइंस से कौन से टॉपिक आ सकते हैं या फिर हिस्ट्री से कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं, इन सब्जेक्ट्स में भी देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो अगर इंडियन पॉलिटी की बात कर जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन पॉलिटी का वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किस तरीके से सब टॉपिक डिवाइड किए गए, फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, एक्ट्स पास्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं बना था तो उससे पहले कौन से एक्ट हमें देखने को मिलते थे,
बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वो कहां से हमने वो फीचर उसके लिए, कहां से वो फीचर बोरो किए गए हैं। यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स एट अ ग्लेंस। इंपॉर्टेंस अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तो कौन कौन सी वो इंडियन जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी से क्या आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें आपसे फंडामेंटल रिलेटेड से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, राइट्स एंड देयर स्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक आप पढ़ेंगे कैसे, क्या ये टॉपिक हमें सारे बुक से पढ़ने हैं? नहीं, जो हमने कोर्स बनाया है SSC CHSL कोर्स, वहां पर ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी एक सिस्टमेटिक वे में, जिस तरीके से हम एग्जाम का सिलेबस देख रहे हैं उसी सिस्टमेटिक वे में आपको देखने को मिलेंगी। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर होते हैं उसका प्रैक्टिस सेशन आपको कराया जाता है, एज वेल एज इसके लिए आपको क्विज भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो चीजें आप लर्न कर रहे हैं, उन्हें आप देख सके आपने कितना ज्यादा उन्हें सीखा है। वहां पर आप क्विज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज वेल एज आपके लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेशन भी रखा जाता है। इसी तरीके से अगर थर्ड टॉपिक की बात करें, पार्लियामेंट एंड इंडियन जुडिशरी, थर्ड टॉपिक हमारा क्या हो जाता है इंडियन पॉलिटी से, पार्लियामेंट एंड इंडियन जुडिशरी, जहां पर हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें पढ़ना होगा। पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनियन स्टेट रिलेशन और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में भी यहां पर इस टॉपिक में आपको पढ़ना होगा या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी से हमारे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर इन इंडिया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट इन इंडिया का क्या रोल रहता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और लास्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी से, वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कि अगर बात करी जाए प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, इस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन पॉलिटी से, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोक आयुक्त इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ सिलेबस है जो आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, ये पूरे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, ये सिलेबस में आपके मेंशन किए गए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू सिविलाइजेशन, द मगध एम्पायर, द साउदर्न किंग्स, इंडिया इन मिडिवल टाइम्स, द मुगल एरा, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स, यूरोपियन और इंडियन सोशल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मूवमेंट दैट वर रीजनल इन नेचर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, गांधियन फिलॉसफी इन अचीविंग इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर पॉलिटिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इन टॉपिक्स को भी बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है और इनके भी आपको वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ इनकी क्विज भी इस कोर्स में आपको मिलती है। तो हिस्ट्री से ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आपको SSC CHSL एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिया एरिया एंड पोजीशन, इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल, नेबरिंग कंट्रीज, रिवर विद डिटेल्स, नेचुरल डिजास्टर, एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ सॉइल, मल्टीपर्पज रिवर डैम प्रोजेक्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड माइनिंग, एनर्जी, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड सोलर, इंडस्ट्रीज, कोल, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, पेट्रोकेमिकल एंड कॉटन, रिसर्च सेंटर इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन, रेल, एयर, रोड एंड सी। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आपको जियोग्राफी सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके SSC CHSL एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे,
नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारे यहाँ पर? जनरल साइंस। जनरल साइंस जैसे कि आपको पता है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीन पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाएगा और तीनों पार्ट से ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं? ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शन, लिस्ट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट पार्ट्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, देयर फंक्शंस एंड एनवायरमेंट। तो बायोलॉजी से तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर फिजिक्स की बात करी जाए तो मोशन, फोर्स, ग्रेविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, प्रेशर, वर्क, साउंड एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने, आपको अपने एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने होंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस। तो कुछ इस तरीके से साइंस का आपका रहने वाला है, साइंस का कुछ इस तरीके से आपको सिलेबस देखने को मिलेगा जब आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट अगर टॉपिक की बात करें जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, जनरल अवेयरनेस सेक्शन से कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में और हमें जानना है? तो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से भी आपको काफी ज्यादा टॉपिक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो टॉपिक हैं? जैसे कि मैं बात करता हूं कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी एंड होरिजोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इन गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो अगर बात कर जाए कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी एंड होरिजोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से कौन से सब टॉपिक है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बजट, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जीएसटी बिल एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन कॉमन मैन। तो कुछ इस तरीके से इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 ईयर्स प्लान बिफोर द लिबरलाइजेशन, 5 ईयर्स प्लान आफ्टर द लिबरलाइजेशन, हाउ टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कुछ इन तीन पार्ट्स में आपको इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे सामने आता है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, जिसमें आपको पढ़ना होगा प्राइम मिनिस्टर्स प्लान फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द कंट्री, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स इन इंडिया। तो कुछ इस तरीके से स्कीम्स जो गवर्नमेंट, नई नई स्कीम्स आती हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात कर जाए, पॉवर्टी की बात कर जाए, या फिर सबके लिए या फिर सारे सेक्शन के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और क्या हमें पढ़ना होगा जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो और हमें प्रिपेयर करने हैं? मनी एंड बैंकिंग, ये भी किसमें कवर किया जाएगा? इकोनॉमिक सेक्शन में ही कवर करा जाएगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमी में ही मनी एंड बैंकिंग को भी कवर करा जाएगा, और साथ ही साथ इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ट्रेड से भी क्वेश्चन वहां पर इकोनॉमिक सेक्शन से देखने को मिलता है। तो मनी एंड बैंकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, पावर एंड फंक्शन, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या क्या पावर है, क्या क्या उसकी फंक्शन है, रुपीज ऑफ 500 एंड 1000 नोट बैन, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक, जो 500 और 1000 के नोट बैन हुए थे उनका बेनिफिट क्या रहा या फिर उनका ड्रॉबैक क्या रहा, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज सिंस 1947, जो हमारा रुपया है उसकी जो डीवैल्यूएशन होती जा रही है, जो उसका दाम घटता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपया घटता जा रहा है 1947 से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वे डू प्रिंटिंग ऑफ सिक्योरिटी पेपर नोट्स मिंटिंग टेक प्लेस इन इंडिया, तो जो हमारी कंट्री में नोट छपते हैं वो किसके अंडर छपते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके अंडर, लेकिन वो कहां पर छपते हैं, कहां पर सिक्के मिंट किए जाते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें कहां पर कवर हो जाएंगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कवर हो जाएंगी। इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ट्रेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, तो कौन कौन सी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस एरिया से बिलोंग कर रही है? इकोनॉमी से, सोशल से या फिर पॉलिटिकल से? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, फेरा एंड फेमा क्या है,
क्या किस तरीके से ये एक्ट इंडिया में लाए गए ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहा जाता है या फिर वर्ल्ड बैंक क्या है, क्या उसकी फंक्शंस है। तो इस तरीके से पूरे इकोनॉमिक सेक्शंस को डिवाइड किया गया है, इस तरीके से एसएससी सीजीएसएल में हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक सेक्शन। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अभी आपने देखा जनरल इंटेलिजेंस से किस किस कौन कौन से टॉपिक हमारे को देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमने देखा जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक हमें दिए गए और उनको भी हमने देखा कि उन सब्जेक्ट्स को भी किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट एसएससी सीएचएसएल सिलेबस किसके लिए बताया गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात कर जाए तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। नंबर वन सिंप्लीफिकेशन, सेकंड नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2D एंड 3D दोनों से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बार ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, और कौन से टॉपिक बताए गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, स्क्वायर रूट, सर्ड एंड इंडाइसिस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, बोट एंड स्ट्रीम्स, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ। तो जो बार ग्राफ है, पाई चार्ट है या फिर लाइन ग्राफ है, ये सारे चार्ट किस में कवर हो जाएंगे, स्टैटिस्टिकल चार्ट या फिर DI की हम बात करते हैं, ये सब उसी का पार्ट है। लीनियर इक्वेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड डिस्काउंट। तो कुछ इस तरीके से हमें सिलेबस बताया गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जब आप एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन से होने वाला है, इंग्लिश। एसएससी सीएचएसएल सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग्स, फ्रेजेस एंड आइटम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पोर्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, एक्टिव एंड पैसिव एंड नरेशन। तो कुछ इस तरीके से आपका ओवरऑल सिलेबस होने वाला है, चाहे जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए या फिर इंग्लिश की। तो चारों सब्जेक्ट की अभी हमने देखे किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि जो टॉपिक हमें सिलेबस में बताए जा रहे हैं उनका वेटेज क्या रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं हर एक टॉपिक से। और जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कौन से टॉपिक से कौन सा टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है या फिर कौन सा उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, ताकि हम एक अच्छा स्कोर अपने एग्जामिनेशन में कर सकें। तो सिलेबस आपको क्लियर हो चुका होगा, आइए अब देखते हैं वेटेज क्या रहने वाला है, किस एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे इंग्लिश सिलेबस के लिए एसएससी सीएचएसएल वेटेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करी जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 5। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा रहने वाला है, एक पैसेज जो आपको गिवन होगा और उसी के बेस पर 5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। स्पोर्टिंग द एरर से आपको 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। सिनोनियम एंड एंटोनियम से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 3 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, पैरा जंबल से 4 क्वेश्चन, और अगर बात कर जाए आइटम्स एंड फ्रेजेस की तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, 50 मैक्सिमम। कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का वो होने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया था नेगेटिव मार्किंग भी आपको याद रखनी होगी। तो इंग्लिश का कुछ इस तरीके से वेटेज रहेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, SSC CHSL वेटेज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स की अगर बात कर जाए तो 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिकल चार्ट से देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट में ही कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड करा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से अगर बात कर जाए 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से बात कर जाए 1 से 2 क्वेश्चन, एलजेब्रा से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिलते हैं, 4। परसेंटेज से बात कर जाए 1 क्वेश्चन,
मेंसुरेशन से बात कर जाए तीन क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम से अगर हम बात करें तो जीरो से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स की वेटेज एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। मूव करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एसएससी सीएचएसएल वेटेज फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात की जाए तो मिसिंग नंबर से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, नंबर सीरीज से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, फिगर नंबर एंड क्लासिफिकेशन से दो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन, वेन डायग्राम से दो क्वेश्चन, एनालॉगी से तीन क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, पेपर फोल्डिंग से तीन क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग से चार क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग से तीन क्वेश्चन, और कोडिंग एंड डिकोडिंग से दो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो चीजें क्लियर है यहाँ पर। अभी आपने देखा कि इंग्लिश सेक्शन से किस तरीके से वेटेज रहेगा टॉपिक का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्या वेटेज रहने वाला है इन टॉपिक का, या फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्या वेटेज इन टॉपिक का रहने वाला है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस की अगर बात कर जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सीधे सीधे चार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हिस्ट्री से पांच क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, इंडियन पॉलिटी से चार क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से अगर बात की जाए तो चार क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से बात की जाए तो तीन क्वेश्चन, और करंट अफेयर से तीन क्वेश्चन, एटलीस्ट तीन क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर से नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सपेक्टेड वेटेज रहने वाला है एग्जामिनेशन में टॉपिक का, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अब बात करते हैं इन टॉपिक में से कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस हमने किया है उनके बेसिस पे किस टाइप उन टॉपिक में से भी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, और कुछ बातें इस कोर्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए मूव करते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको पूरा सिलेबस बताया कि एसएससी सीएचएसएल का पूरा सिलेबस क्या है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक सब्जेक्ट को किस तरीके से टॉपिक्स में डिवाइड किया गया और किस एक टॉपिक का क्या वेटेज रहने वाला है एग्जामिनेशन में। लेकिन अब ये तो हमें पता चल गया कि इस टॉपिक का इतना वेटेज है, यानी कि अगर मैं कॉमन एरर्स की बात करता हूँ तो दो से तीन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन किस टाइप के वो कॉमन एरर के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जब हम प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है जो अभी तक के सीएचएसएल के एग्जामिनेशन हुए एज वेल एज जो रिसेंटली एग्जाम पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन में, तो उससे ये पता चलता है कि जब भी हम कॉमन एरर से क्वेश्चन देखेंगे, अगर हमें दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कॉमन एरर से एग्जामिनेशन में, तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि दो टाइप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दो टाइप ऐसे हैं जो मुझे प्रिपेयर करने ही करने हैं। कौन कौन से? रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट वर्ड, और दूसरा सिंटेक्स। तो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे? रॉन्गली स्पेल्ड से तो क्लियरली समझ में आ रहा है, और इनएप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब क्या हुआ? रॉन्गली स्पेल्ड का मतलब क्या हुआ? चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, उनमें से किसी एक की स्पेलिंग गलत है, वो आपको पता लगानी है, या फिर एक वर्ड आपको दे दिया, अब इसमें से आपको पता लगाना होगा, एक ही वर्ड आपको दे दिया और उसकी अलग अलग स्पेलिंग दे दी, अब आपको पता लगाना होगा कि इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। बहुत इजी है, लेकिन इन अप्रोप्रिएट वर्ड कैसा रहेगा? वहां पर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि अगर मैं सैंपल क्वेश्चन की बात करूं यहां पर, लव फॉर आर्स एनवायरमेंट इज इनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। अब यहां पर एक इनएप्रोप्रिएट वर्ड का यूज किया गया है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जैसे कि हम कहें यहां पर लव फॉर आर्थ एनवायरमेंट इज इनफ टू प्रोटेक्ट नेचर, तो यहीं से हमें पता चल रहा है ये एक इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। यहां पर आर्थ की जगह क्या आना चाहिए? यहां पर आर्थ की जगह आर आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जब कॉमन एरर की बात करी जाएगी तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, और इसीलिए जो विद्या 24 आपके लिए कोर्स लाया है एसएससी सीएचएसएल का, उन टॉपिक्स पे और उन्हीं के टाइप्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इनके क्वेश्चंस आपको जो प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, इनके नए पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, एज वेल एज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो भी ज्यादा रहने वाला है, ताकि वो टाइप आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, उन टाइप पे आप अच्छे से मेहनत कर पाए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर बात करें, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कॉमन एरर से क्या बनेंगे? सिंटैक्स के। माय कजन आस्क्ड मी इफ आई विल नॉट बी गोइंग
टू द मूवी दैट इवनिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जहां पर हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उस ऑर्डर में अरेंज करना होगा। सिंटेक्स का मतलब ही क्या हुआ, एक हमें जो वर्ड्स हैं वो इस तरीके से अरेंजमेंट होनी चाहिए जो हमें एक सेंसफुल सेंटेंस दे। नेक्स्ट आता है हमारे लिए क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में भी दो टाइप के क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए आएंगे, एक फिलअप्स इन पैसेज, एक पैसेज आपको दे दिया गया, एक पैसेज आपको दे दिया गया और उसमें कहीं कहीं पर आपको फिलअप्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये रहेगा आपका फिलअप्स इन पैसेज। जंबल सेंटेंस या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंबल सेंटेंस भी बोलते हैं या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोलते हैं। वर्ड्स हमें गिवन रहेंगे और उन्हें हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना होगा, उन्हें आप चाहें तो जंबल सेंटेंस बोलिए या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट भी आप उसे बोल सकते हैं। ये दोनों आपको क्लियर होंगे, इसका सैंपल क्वेश्चन दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहीं से समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमें क्लोज टेस्ट से देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर, एनीथिंग, अब एक सैंपल क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एक सेंटेंस आपको दे दिया गया कि एक ऐसी चीज जो विच इज नो लॉन्गर इन यूज, अब आपको से क्या करना है, एक वर्ड से, सिर्फ एक वर्ड से इस पूरे सेंटेंस को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं कहूंगा ऑब्सोलीट। मैं यहां पर इस पूरे सेंटेंस की जगह एक वर्ड यूज कर दूंगा ऑब्सोलीट, और वो क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका हो गया। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीन टॉपिक मैंने आपको बताया, मैंने इनका पहले वेटेज बताया कि पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज रहेगा, उसके बाद मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। कॉमन एरर आपने देख लिया, क्लोज टेस्ट आपने देख लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया, इंग्लिश से और कौन से टॉपिक है जिनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो जब भी हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एक्टिव पैसिव वॉइस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दो से तीन क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से उसका कौन सा टॉपिक एग्जामिनेशन में क्या वर्थ रखता है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, जब हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस टाइप के उन टॉपिक में से भी किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो विद्या 24 ने आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का कोर्स प्रिपेयर किया है, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए वही ज्यादा रखे गए हैं जो टाइप या फिर जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अगर हम बात करें एक्टिव पैसिव वॉइस से किस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन हम इसका देखें, गीता विल नॉट राइट दिस ऐसे, ये आपको दे दिया गया, अब वो ये आपको दे दिया गया, गीता विल नॉट राइट दिस ऐसे, अगर आपको चेंज करना है तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, दिस ऐसे इज नॉट रिटन बाय गीता, बहुत ही सिंपल था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइडम्स एंड फ्रेजेस, तो आइडम्स एंड फ्रेजेस भी आपको पता होगा, आइडम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या हुआ, मुहावरे और कहावतें, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी कुछ आइडम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, जैसे कि एक आइटम आपको दे दिया गया, एक मुहावरा आपको दे दिया गया, आप बिकन, अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि आप बिकन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, ये एक तरीके की क्या हो गया, एक तरीके का मुहावरा हो गया इंग्लिश का, आप भी गन इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में यहां पर बात करी जा रही है। फिर आता है नेक्स्ट सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द, तो पर्यायवाची और विलोम शब्द हैं सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, ये भी आपको पता होगा, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं सिनोनियम गुड का सिनोनियम आप बताएं, तो काफी लोग कहेंगे फाइन, ये इसका क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये इसका पर्यायवाची हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं गुड का एंटोनियम क्या होगा, आप सीधा कहेंगे इसका विलोम शब्द आप पूछ रहे हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द बैड हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ये चीजें भी आपको बताऊंगी, तो क्लियर है। और सिनोनियम एंटोनियम से जो क्वेश्चन है वो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका आने वाला है वो सीधा सीधा एक पैसेज आएगा, उसी के बेस पर पांच क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर करके चलिए कि रीडिंग जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो हमारा पैसेज है, वो तो हमें प्रिपेयर करना ही करना है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अमित सेड टू हिज फ्रेंड दैट ही इज डूइंग हिज होमवर्क, तो अब आप इसे कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज किया जाएगा, जब अमित ने अपने दोस्त को कहा कि वो क्या कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, तो अब आप कैसे चेंज कर सकते हैं इसे, अमित सेड टू हिज फ्रेंड I am doing my
होमवर्क, आई एम डूइंग माय होमवर्क. पहले कैसे गिवन था हमें इनडायरेक्ट सेंस में, अमित सेड टू हिज फ्रेंड दैट ही इज डूइंग हिज होमवर्क. अब आप इसने कैसे चेंज कर दिया इसे, अमित सेड टू हिज फ्रेंड आई एम डूइंग माय होमवर्क. तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी चेंज करना पड़ सकता है. नेक्स्ट क्या रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, He would be like to have some an ice cream. तो आपको अब क्या करना है, इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करना है, यानी कि कोई चीज इसमें गलत हो सकती है, कोई चीज एडिशनल हो सकती है, तो उसे आपको हटाना होगा. तो आपको पता लगाना है कि क्या है वो चीज, ही वुड बी लाइक टू हैव एन आइसक्रीम. तो यहां पर आप देखेंगे इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप क्या कहेंगे, ही वुड लाइक टू हैव सम आइसक्रीम. बी यहां पर एडिशनल हो गया, तो यहां पर ऑप्शन में आप क्या टिक करेंगे कि बी जो है हमारा वो ही हमारा गलत है. तो चीजें क्लियर हो गई कि इंग्लिश सेक्शन से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और दूसरी चीज, जब आप एसएससी सीएचएसएल के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करोगे तो जो कंजंक्शन है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो आपके कॉमन एरर्स हैं, जो स्पॉटिंग एरर वाला सेक्शन मैंने आपको बताया, वहां पर कंजंक्शन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. एंड द आर्टिकल, जो आर्टिकल होते हैं वो आपको पढ़ के जाने होंगे जब आप एसएससी सीएचएसएल की प्रिपेरेशन कर रहे होंगे. और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे. नेक्स्ट क्या आता है एग्जामिनेशन में, मिस स्पेल वर्ड. तो मिस स्पेल वर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब वहां पर आपको चार ऑप्शन दे दिए गए, एग्जामिनेशन में आपको चार ऑप्शन दे दिए गए. अब आपसे पूछ लिया गया इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है. मिस स्पेल वर्ड का मतलब क्या हुआ कि इनमें से किसी की स्पेलिंग गलत है. मेटाफोर, एक्सप्लिसिट, एलर्जी या फिर पैरोडी. तो जल्दी से आप लोगों को बताने की कौन सी स्पेलिंग गलत है. तो क्लियरली यहां पर नजर आ रहा है कि एलिग्री, एलिग्री की स्पेलिंग यहां पर हमें गलत दी गई है. यहां पर एक की जगह क्या आना था, यहां पर एक की जगह ओ आना था. तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं. तो इंग्लिश सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया. ये जो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बेटर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जिस सिस्टमैटिक वे में आपको ये प्रोवाइड की जा रही है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर जाएंगी, इनके कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, एज वेल एज आप खुद भी देखेंगे कि आपका जो फीडबैक रिपोर्ट होगा उसमें आप अपनी सारी चीजें ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा, जो अभी तक मैं चीजें पढ़ रहा हूं इसमें से कौन सा एरिया मेरा अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर किसी उसके टाइप में मेरे को और इंप्रूवमेंट की जरूरत रहेगी. वो सारी चीजें आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं. और जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी एक्टिविटी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड करी जाएगी. तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ. तो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैथमेटिक्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से हर साल आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. तो वो क्वेश्चन कहां से आपसे पूछा जा सकता है, रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजिबिलिटी. जो रूल, जो क्वेश्चन का रूल होगा वो किस पे बेस रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम या फिर डिविजिबिलिटी पे वो बेस होने वाला है. यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को नंबर सिस्टम से मिलता है. उसके बाद अगर बात कर जाए सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन से भी एक से दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखे जा सकते हैं. वो कहां पर, वो जो क्वेश्चन रहने वाला है वो किस चीज पे बेस रहेगा, वर्ड मास पे बेस हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शंस पे बेस हो सकता है, या फिर शर्ड एंड इंडाइसिस से वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जब आप सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं. लेकिन उसके बाद आता है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस. जहां से दो या तीन क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में एक डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट को कि काफी ज्यादा टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो काफी ज्यादा टाइप्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में देखने को मिलते हैं. लेकिन हमारे एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें कौन से वो टाइप्स प्रिपेयर करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो आइए ये भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन वहां पर नहीं बनेगा. प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं CHSL में, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं देखने को मिलेगा. लेकिन ये टाइप आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से वो टाइप हैं जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है. तो सबसे पहला बनता है हमारे पास टाइप एक, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. इसका मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे. आप फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 फॉर आर रुपी एंड सेल्स देन एट 5 फॉर देन 3 रुपीज. तो यहां पर एक फ्रूट सेलर है, वो क्या कर रहा है, एक लेमन खरीदता है, एक नींबू खरीदता है, दो नींबू खरीदता है 1 रुपए पर, और क्या करता है 5 बेचता है 3 रुपए पर. तो अब आप ये बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा. इसी में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि उसने
एक चीज थी वो इतने दाम पर खरीदी और दूसरे दाम पर उसे बेच दिया, तो वहां पर अब आपसे क्या पूछ लेगा कि उसका लॉस परसेंटेज क्या है, यानी कि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पे या फिर लॉस परसेंटेज पे। तो चीजें क्लियर हैं। एक टाइप तो हमारा ये बनता है जो हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टाइप क्या बनता है, कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अभी हमने देखा कि एक पर्सन था, उसने कोई एक चीज खरीदी, किसी एक दाम पर उसने खरीदी, उस दाम को मैंने बोल दिया कॉस्ट प्राइस, और किसी दाम पर बेच दी तो मैंने उसे बोल दिया सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो अब हमें यह निकालना था कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज कितना हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसी चीज का क्या निकालना पड़ेगा, या तो कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। जैसे कि इफ अ पर्सन सेल्स अ सारी फॉर रुपीज 5200 making a profit of 30%, then the cost price of the sari is। तो यहां पर अब क्या चीजें पता है हमें, यहां पर अब देखें अगर हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना होगा, तो ये दो चीजें हमें पता रहेंगी, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। या फिर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा या फिर हमें सॉरी सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज पता रहेगा। जैसे कि हमें क्या पता चला कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसने साड़ी कितने दाम पर बेची, अगर उसने बेची है, उसे उसने बेची है, उसके लिए उसे पैसा मिला है, तो वो क्या हो गया, वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। और बेचने पे कमाता कितना है, वो 30% वो कमा रहा है, प्रॉफिट उसे 30% मिल रहा है। यानी कि आप अब इजिली निकाल लेंगे कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, कि कॉस्ट प्राइस उसका साड़ी का क्या होने वाला है। तो अब जब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को, जब हम विद्या 24 के कोर्स में इस ट्यूटोरियल को पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, किस तरीके से इन्हें ट्रेडिशनली करा जा सकता है, जहां पर हमें 1 से 2 मिनट का टाइम भी लग जाएगा। लेकिन वहीं पर हम क्या देखेंगे, इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे, जहां पर इजिली 30 to 40 seconds में इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। तो सारी चीजें इस कोर्स में आपके लिए रखी गई हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं होने वाली है जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट हो आपके एग्जामिनेशन के लिए और वो चीज आपको ना मिले। पीडीएफ वो आपको प्रोवाइड की जाती है, क्विज वो आपको प्रोवाइड करी जाती है, प्रैक्टिस सेशन वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट आपको बताया जाएगा कि फॉर्मूला किस तरीके से किस क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ बता दे कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक आपने अप्लाई करना सीख लिया, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, आप उसे भूल सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और उसके बाद आप ट्रिक्स को लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कितना टाइम आपका बच रहा है और किस तरीके से उन ट्रिक्स को इजिली अप्लाई करना है, तो वहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, कोई भी डिफिकल्टी आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। तो आइए और देखते हैं कि और तीसरा टाइप क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइप हमारे लिए बनता है न्यू सेलिंग प्राइस या फिर न्यू कॉस्ट प्राइस आफ्टर चेंजिंग सम कंडीशन। तो जैसे अभी हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमसे पूछा जा सकता है, कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस में से एक चीज पूछी जा सकती है। अब हमसे क्या पूछा जाएगा, नया सेलिंग प्राइस क्या रहा या फिर नया कॉस्ट प्राइस क्या रहा, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। उमा वॉन्ट्स टू गेन 15% ऑन हर सेल ऑफ शुगर। She buys 120 kg of sugar at rupees 24 per kg to mix 180 kg of sugar bought at rupees 28 per kg. She sells the sugar mix at। तो अब क्या है, कोई उमा है, वो 15% का प्रॉफिट कमाना चाहती है अपनी शुगर बेच के। तो उसने क्या करा, 120 किलो ने शुगर खरीदी 24 रुपए के दाम से, और दूसरी उसने कितनी खरीदी, 180 किलो खरीदी उसने 28 रुपीज के दाम से, दोनों को उन्हें मिला दिया। अब आप ये बताइए कि किस दाम पर उमा इसे बेचे ताकि वो कितना प्रॉफिट कमा सके, 15% का वो प्रॉफिट कमा सके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और ये कंडीशन जो होती है वो थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रिक्स यूज करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस को इजिली किया जा सके, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करने बैठेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा टाइम आपका यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है डिस्काउंट, जो कि किससे डायरेक्टली रिलेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही ये रिलेट करेगा। इसमें भी डिफरेंट कंडीशन बनाई जा सकती हैं। एक क्वेश्चन इसका देखा जाए, अ ट्रेडमेंस अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्क ही इज गुड टू गेन 19%। तो अब क्या होता है, हम मॉल में जाते हैं या फिर हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोलते हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है, और हम डिस्काउंट देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि किसी वेबसाइट पे चल रही है सेल, 50% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। लेकिन अब शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर अपना लॉस तो नहीं करेगा, वो देखिए किस तरीके से इस स्मार्टली अप्रोच को यूज करता है। अब क्या कर रहा उसने कि एक शॉपकीपर है, वो देना चाह रहा है डिस्काउंट 15% का, वो 15% का डिस्काउंट देना चाह रहा है,
लेकिन अब वो क्या करेगा, अपने ही जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो इस तरीके से मार करेगा, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट हिज मार्क हिज गुड अगेन 19%। तो कॉस्ट प्राइस को ऑलरेडी इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ाकर फिर वो उस पे 50% या फिर कितने परसेंट का, 15% का डिस्काउंट यहां पर दिखाएगा और उसे गेन भी कितने का हो जाएगा, 19% का उसे गेन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि किससे रिलेट करे होंगे, डिस्काउंट से रिलेट करे होंगे, लेकिन यहां पर जो रोल रहने वाला है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का रोल यहां पर रहेगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे भी दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं, और किस टाइप से वो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट का देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, या फिर दोनों ही क्वेश्चन कैसे देखने को मिल जाए, जहां पर सिंपल इंटरेस्ट भी हो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो, और बाद में आपसे उनका डिफरेंस पूछ लिया जाए। क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए लेंड 6000 टू बी फॉर 2 इयर्स एंड रुपीज 1500 टू सी फॉर 4 इयर्स एंड रिसीव 900 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम टुगेदर द रेट इंटरेस्ट पर एनम वाज। तो अब क्या करता है, ए 6000 रुपए बी को देता है, 1500 रुपए सी को देता है, और जो उसको इंटरेस्ट मिलता है दोनों का मिलाकर वो कितना मिलता है, 900 रुपए उसे दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर मिलता है। अब आपसे पूछा गया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम का वो कितना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाए तो वो किस तरीके से बनते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 इयर्स इज 40 रुपीज 80 पैसा एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इज 40 रुपीज एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में दोनों चीज यूज कर ली गई कि कोई पर्सन है एक सर्टेन अमाउंट किसी को 2 साल के लिए देता है तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वो 40 रुपए 80 पैसा बनेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 40 रुपए बनेगा एट द सेम रेट और सेम टाइम के लिए। तो आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, तो चीजें इस तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो समझ में आ गया आपके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जब हम क्वांट सेक्शन की बात करते हैं, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए और टॉपिक वो देखते हैं जिनसे जिन्हें जो टॉपिक्स मैं आपको अभी बता रहा हूं उससे एटलीस्ट 17-18 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। तो इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी और मैं बताने वाला हूँ इस कोर्स में किस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस, वो अप्रोच आपको दी जाएंगी जो इन टॉपिक्स के लिए आपको लगने वाली हैं। तो चीजें क्लियर हैं यहाँ पर, आइए और टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो लेकिन एलजेब्रा से भी काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल एंड एलजेब्रिक आइडेंटिटी, इससे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। इफ एक्स प्लस y is equal to z, then the expression x cube plus y cube minus z cube plus 3xyz will be equal to। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, उसे आप पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन्हें हम बोलते हैं पॉलीनोमियल एंड एलजेब्रिक आइडेंटिटी, हम इन्हें बोलते हैं। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से अगर हम बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, वो भी किस टाइप का, या तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, किसी क्वेश्चन में आपसे स्पीड पूछ ली जाए, किसी क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछ लिया जाए, या फिर किसी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, इन एन 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स विमल बाय 5 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ द कमल इज 18 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ विमल इज। तो यहां पर एक 100 मीटर की रेस होती है जहां पर कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। अगर कमल की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर थी, 18 किलोमीटर पर आवर थी, तो विमल की स्पीड क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वहां पर स्पीड पूछी जा सकती है, टाइम पूछा जा सकता है, या फिर डिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो चीजें समझ में आई, मूव करेंगे कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक है और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है यहां पर, एवरेज। तो एवरेज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा, क्योंकि यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, लेकिन एवरेज के भी टाइप बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एवरेज से भी हमें काफी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से टाइप हैं जो हमें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, एवरेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स गिवन।
जहां पर क्या हो, हमें एवरेज ऑलरेडी गिवन हो डिफरेंट ग्रुप्स का। जैसे कि क्वेश्चन की हेल्प से समझें, द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर मेंबर इज 3 times द फिफ्थ नंबर। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द फाइव नंबर इज 85.8 देन द फिफ्थ नंबर इज। तो इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट चार नंबर का जो एवरेज है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर इज 3 times द फिफ्थ नंबर। जो फर्स्ट चार नंबर का एवरेज है वो 3 times है किसके, जो हमारे को फिफ्थ नंबर गिवन है। अब जो एवरेज है सारे नंबर का मिलाकर, द एवरेज ऑफ ऑल द फाइव नंबर, वो इतना दे दिया गया हमें, ग्रुप का एक एवरेज हमें दे दिया गया 85.8। तो अब आपसे पूछ लिया गया फिफ्थ नंबर, आप बताइए। तो एक कंडीशन हमें दी गई है, दो कंडीशन है हमारे पास जिसकी हेल्प से उस फिफ्थ नंबर को इजिली पता लगाया जा सकता है। चीजें समझ में आई। नेक्स्ट टाइप क्या बन सकता है यहाँ पर, इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन। सर ये इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ या फिर एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि कोई एक ग्रुप है, या तो वहां पर कोई चीज इंक्लूड करी जा रही होगी या फिर उस ग्रुप से कोई चीज निकाली जा रही होगी। अगर हम कोई चीज डालेंगे तो भी उस चीज का इंपैक्ट किस पे आ जाएगा, हमारे एवरेज पे। कोई चीज निकालेंगे तो भी उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे एवरेज पे। या फिर ऐसा हो दोनों चीजें एक साथ हो रही हो, कोई चीज ग्रुप में इंक्लूड भी करी जा रही हो और कोई चीज ग्रुप से एक्सक्लूड भी की जा रही हो। एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ बॉयज हैज एन एवरेज वेट ऑफ 36 kg, वन बॉय वेइंग 42 kg लीव्स द ग्रुप एंड द अनदर बॉय वेइंग 30 kg जॉइंस द ग्रुप। इफ द एवरेज नंबर ऑफ बॉय इज 35.7 kg देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप है बॉयज का जिसका एवरेज वेट कितना है 36 kg। एक एवरेज हमें पता चल गया, एक ग्रुप था बॉयज का जहां पर उस ग्रुप का एवरेज जो आ रहा था 36 kg आ रहा था, उनमें से एक बॉय ग्रुप को छोड़ देता है जिसका वजन कितना था 42 kg। अब एक अनदर बॉय उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिसका वेट कितना था 30 kg। इफ द एवरेज नाउ बिकम्स, जो अब इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद जो उस ग्रुप का एवरेज आया वो निकलकर कितना है 35.7 kg। अब आप ये बताइए कि उस ग्रुप में कितने बॉयज हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के, कोई चीज इंक्लूड करी हो रही हो या फिर कोई चीज एक्सक्लूड हो रही हो या फिर दोनों कंडीशन एक साथ लगाई जा रही हो। नेक्स्ट क्या बनता है हमारे पास, एवरेज एज। एवरेज एज से जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो भी हर साल, तो इसके लिए आपको और मेहनत करनी होगी। एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 23 years। इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 years। वॉट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द कोच। तो अब यहां पर क्या बताया इन्होंने, जो एवरेज एज आ रही है 12 प्लेयर की वो कितनी आ रही है 23 साल, लेकिन हम इसमें कोच की भी क्या कर दें, एज को इंक्लूड कर दें, तो जो एवरेज है वो कितनी बढ़ जाती है, एवरेज इंक्रीज बाय 2 years, एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है। तो अब आप ये बताइए जो कोच की एज है वो कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन बनेंगे आपके एवरेज टॉपिक से। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, और अगर अभी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, अभी सिर्फ हम सिलेबस समझ रहे हैं। जब हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे day 1 से लेकर लास्ट तक यही क्वेश्चन होंगे और यही आप होंगे जिन्हें आप बहुत ही इजिली कर रहे होंगे, विद इन सेकेंड्स में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हार्डली 30-40 seconds आपको लगेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हल्के हल्के इंक्रीज होता जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ आप देखिए कि किस तरीके से हमें सिलेबस, सबसे पहले क्या चीज पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, टॉपिक आपको पता होना चाहिए। एक बार आपको टारगेट मिल गया कि इस तरीके से मेरे को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है तो आगे कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज से भी 2 questions एग्जामिनेशन में हर साल देखने को मिल रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन यही है कि 2 questions हमें नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिलेंगे या फिर आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो परसेंटेज से भी काफी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपके लिए 3 types इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर परसेंटेज विद अदर टॉपिक्स। 3 तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो टाइप हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20% परसेंटेज चेंज इन सैलरी। तो अब क्या हुआ, अब किसी एक चीज में
या तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो या फिर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा हो, या फिर दोनों कंडीशन एक साथ लगा दी जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में कि एक पर्सन की सैलरी थी पहले तो 20% बढ़ जाती है फिर 20% घट जाती है, जो परसेंटेज चेंज आया होगा सैलरी में वो कितना आया होगा, ये आपको बताना है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, अ मैन गिव्स 40% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज वाइफ एंड रेस्ट टू हिज चिल्ड्रेन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेल्थ विल बिल्ड द वाइफ टू द चिल्ड्रेन गेट। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि एक पर्सन है, उसकी कोई वेल्थ, उसकी कोई पूरी जायदाद है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, वो चाहता है कि अब इसे डिवाइड करा जाए। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि 40% तो आप क्या करो मेरी वाइफ को दे दो और बची हुई मेरे बच्चों को दे दो। तो यानी कि जो एक पर्टिकुलर 100% चीज थी उसे हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज विद अदर टाइप्स, सॉरी परसेंटेज विद अदर टॉपिक्स, अब परसेंटेज के साथ किसी और टॉपिक का भी रिलेशन हमें देखने को मिल जाए, कोई और टॉपिक भी हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रहा हो, जैसे कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2, इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप इज। यानी कि अब क्या कहा है इसमें कि अब देखिए जो पूरा नंबर, जो नंबर है बॉयज एंड गर्ल्स का स्कूल में वो कितना है, 3:2 रेशियो में है। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल गया क्वेश्चन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको देखने को मिल गया। अब यहां पर आपसे अगेन परसेंटेज में बात करें कि 20% बॉयज और 25% गर्ल क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर है। अब आप ये बताइए परसेंटेज में, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप, जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला उनका परसेंटेज आप हमें बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इन्हीं पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। चीजें सारी कवर करनी है इस कोर्स में भी, आपको सारी चीजें कवर करी जाएंगी, लेकिन अगेन मैं एक ही चीज आपको कह रहा हूँ, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे बहुत ही अच्छे से वर्क किया है हमारे टीचर्स ने आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे लिए, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की अगर आप बात करेंगे, इसका वेटेज जो रहेगा एसएससी एमटीएस में ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको हार्डली एक क्वेश्चन देखने को एचसीएफ एलसीएम से मिल सकता है, या फिर एक से बस दो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। वो भी किस टाइप के होंगे, या तो आपसे सिंपली एक क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का पूछ ले, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 40। यानी कि तीन नंबर आपको दे दिए, आपसे एलसीएम पूछ लिया या फिर उनका एचसीएफ आपसे पूछ लिया, बस आपको एलसीएम और एचसीएफ वहां पर कैलकुलेट करना होगा, या फिर आपको देखने को मिल सकती है डिफरेंट कंडीशन। अभी डिफरेंट कंडीशन का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280 एंड देयर एचसीएफ इज 8, द एलसीएम ऑफ द नंबर विल बी। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करी है कि जो प्रोडक्ट है दो नंबर का वो कितना है 1280, 1280 है, और उस नंबर का है, उन नंबर का जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 8 है। तो आप ये बताइए एलसीएम क्या होगा उस नंबर का। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर 3 नंबर आर इन रेशियो 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 2400, देयर एचसीएफ इज। तो यहां पर अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनती है, रेशियो हमें दिया गया है 3:4:5, 3 नंबर का रेशियो इन्होंने दे दिया और उनका एलसीएम भी हमें बता दिया, और यहां पर हमसे क्या पूछ लिया गया, एचसीएफ हमसे पूछ लिया गया। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपको एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक से देखने को मिल सकती है। मूव करेंगे आगे, नेक्स्ट क्या है यहां पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारे लिए है इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी देखने को मिल सकता है। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, इन अ बैग देयर आर कॉइन ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा इन द रेशियो 1:2:3, इफ देयर इज रुपीज 30 इन ऑल, हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन आर देयर। तो यहां पर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो डायरेक्ट होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक बैग है जहां पर 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के कॉइन है। अब इन्होंने उनका रेशियो बता दिया, किस रेशियो में वो मिलेंगे, 1:2:3 में। अब जो पूरा बैग है उसमें 30 रुपए हैं, अब उस 30 रुपए में से आपको बताना है 5 पैसे के कॉइन कितने हैं। तो चीजें क्लियर हुई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है यहां पर, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एसएससी सीएचएसएल के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तीन क्वेश्चन भी आपको टाइम एंड वर्क से देखने को एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टाइम एंड वर्क से देखने को मिलते हैं, पहला टाइप फ्रैक्शन एफिशिएंसी वेजेस m1d1w1 = m2d2w2। सर यहां पर ये m1d1w1 क्या है,
M2D2 क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको इजीली समझ में आ सके कि किस टाइप का, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं टाइम एंड वर्क से। अ कंपनी एम्प्लॉयड 200 वर्कर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैज बीन डन इन 50 डेज, देन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर टू बी एम्प्लॉयड वाज। तो यहां पर क्या करा, एक कंपनी ने 200 वर्कर एम्प्लॉय करे ताकि वो क्या कर सके, एक वर्क को कंप्लीट कर सके, टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। 200 वर्कर हैं कंपनी के पास और कंपनी क्या चाहती है, 150 दिन यानी कि 150 दिन में पूरा काम निपट जाए। लेकिन अब क्या होता है, 50 डेज बीत जाते हैं और सिर्फ कितना काम पूरा हो पाता है, 1/4 काम हो पाता है, यानी कि अब सिर्फ 100 दिन कंपनी के पास रह गए और काम सिर्फ कितना हुआ, 1/4 ही हुआ। अब उसे कितने एडिशनल वर्कर एम्प्लॉय करने, कितने एडिशनल वर्कर काम पे रखने पड़ेंगे, कितने एडिशनल वर्कर को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, उस पूरे काम को कंप्लीट किया जा सके। देन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क इन टाइम द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर टू बी एम्प्लॉयड वाज, यानी कि उस पूरे काम को उसी टाइम के में खत्म किया जा सके तो कितने एडिशनल वर्कर वहां पर लगेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको टाइमर वर्क से देखने को मिलेगा। या फिर नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है, एक्स मैन वाई वुमेन एक्स जेड बॉयज मिसलेनियस, यानी कि ये कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज व्हेन दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। ऑन द फर्स्ट डे वन पर्सन वर्क्स, ऑन द सेकंड डे अनदर पर्सन जॉइन्स हिम, ऑन थर्ड डे वन मोर पर्सन जॉइन हिम, देन दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीटेड, हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। अब क्या हुआ, एक ग्रुप था वर्कर्स का, वो क्या कर सकता था, एक काम को 50 दिन में कंप्लीट कर सकता था। अब उन्होंने पहले दिन काम करा, दूसरे दिन क्या करता है, एक वर्कर उन्हें ज्वाइन कर लेता है, फिर तीसरे दिन एक और वर्कर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये वर्क कंप्लीट नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेट डे उन्हें कितने लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, अगर वो जो पहले वाला ग्रुप था वो उस काम को करता तो सिर्फ 50 दिन लगते, लेकिन अब क्या हो रहा है, वर्कर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर अब आपको बताना होगा कि कितने अप्रोक्सीमेट डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं, तो इनमें भी आपको काफी फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा और काफी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी ताकि आप इन क्वेश्चंस को इजीली विद इन टाइम कर सकें। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, प्लेन ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री से भी दो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्लेन ज्योमेट्री से अगर हम बात करें कौन कौन से टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस किस टाइप से रिलेटेड हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल और पॉलीगन, इन तीन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है जो कि किससे बेस हो सकता है, सर्कुलर एंड मेजर ऑफ एंगल यानी कि रेडियंस एंड डिग्री मेजर। और दूसरा जो मैं कहूंगा कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज एंड फंक्शंस की हम बात करें तो ये जरूर आपको पढ़ लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, तो यहां से चांसेस आपके ज्यादा है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है वो यहीं से हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो यहां पर अगर 2D की मैं बात करूं, 2D में आपके लिए सर्कल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 2D में आपके लिए सर्कल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और 3D की मैं बात करूं तो क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इफ टू आयरन क्यूब्स ऑफ साइज 10 mm ईच आर ड्रॉप्ड इन अ वेसल विद 200 डिग्री सेल्सियस वाटर कंटेंट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन द वेसल। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्यूब का जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से मेंसुरेशन 2D और 3D से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 2D में आपका सर्कल इंपॉर्टेंट रहेगा, 3D में आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चीजें क्लियर है, मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आपके लिए हो जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर स्टैटिस्टिकल चार्ट। तो जो स्टैटिस्टिकल चार्ट है या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा बार चार्ट, पाई चार्ट, डेटा टेबल या फिर लाइन ग्राफ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इन्हें भी आगे कैटेगराइज किया गया, जैसे कि मैं बात करूं वर्टिकल बार चार्ट या फिर डेविएशन बार चार्ट। वर्टिकल कैसा होगा, वर्टिकली होगा। वर्टिकली चार्ट ऐसा देखने को मिलेगा आपको, और हॉरिजॉन्टली चार्ट जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। इसी तरीके से डेविएशन चार्ट में आपको दोनों
इस तरीके से नजर आएंगे, अप एंड डाउन आपको डिवीजन चार्ट में नजर आएगा, पाई चार्ट, परसेंटेज वैल्यू पाई चार्ट, डिग्री वैल्यू पाई चार्ट या फिर एक्चुअल वैल्यू पाई चार्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब परसेंटेज पाई चार्ट की बात की जाएगी जो डेटा आपका गिवन होगा वो परसेंटेज में आपको गिवन होगा, जब डिग्री वैल्यू पाई चार्ट की बात की जाएगी तो आपका जो डेटा होगा वो डिग्री में गिवन होगा, एक्चुअल वैल्यू पाई चार्ट की बात की जाएगी तो वहां पर सिंपली आपको नंबर दिए हुए होंगे। और ऐसा भी रहेगा जहां पर आपको परसेंटेज से डिग्री में डेटा कन्वर्ट करना पड़ जाए या फिर डिग्री से आपको परसेंटेज में, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से इन्हें इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है डेटा से परसेंटेज, सॉरी डिग्री से परसेंटेज या फिर परसेंटेज से डिग्री, या फिर इन दोनों से ही आप एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा टेबल। डेटा टेबल या तो सिंगल होगा या फिर क्यूमुलेटिव होगा। क्यूमुलेटिव कैसा होगा? इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, जो प्रीवियस डेटा है वो आगे एड हो रहा होगा, इसी तरीके से उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव डेटा टेबल हम उसे बोलेंगे। लाइन ग्राफ कैसी देखने को मिल सकती है आपको? डबल लाइन ग्राफ आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। तो ये रहेगा आपका स्टैटिस्टिकल चार्ट जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। आपने देख लिया कि जनरल इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक में से भी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखा, अब हम देखने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? रीजनिंग। तो रीजनिंग में यहाँ पर कहूंगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होने वाला है एसएससी सीएचएसएल में, और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें से एटलीस्ट 16 से 17 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और जो टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ 16 से 17 क्वेश्चन उन टाइप से ही आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और टाइप हमारे लिए हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फाबेट, अल्फाबेट में जो मेन चीज रहने वाली है वहां पर आपको जितने भी आपके लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए, उन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस अल्फाबेट से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालॉगी। एनालॉगी से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और वो तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालॉगी से 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से वो टाइप्स हैं जो एनालॉगी से पूछे जा सकते हैं? सबसे पहला टाइप है आपका वर्ड एनालॉगी, दूसरा नंबर एनालॉगी, या फिर तीसरा आपका अल्फाबेट एनालॉगी। अगर आप बात करें वर्ड्स एनालॉगी की तो वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे? अब सोल्जर और रेजिमेंट, अब देखिए इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना होगा कि सोल्जर और रेजिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, और वही रिलेशन दिए गए 4 ऑप्शंस में आपको फाइंड करना होगा जो रिलेशन सोल्जर और रेजिमेंट के बीच में होगा, और उनमें से आप बताएंगे कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से नंबर एनालॉगी क्या हो सकती है? जहां पर 2 नंबर के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना होगा कि फर्स्ट 2 नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, वही आपको रिलेशन किसके साथ फाइंड करना होगा। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उन 4 का रिलेशन, उन 4 में से 1 का रिलेशन किसके साथ होगा? इस दिए गए नंबर के साथ, इस 32 नंबर के साथ होगा, और वहां पर आपको बताना होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरीके से क्या बन सकता है? अल्फाबेट एनालॉगी बन सकती है, जहां पर लेटर्स के बीच में कुछ रिलेशंस हो, उनकी पोजीशन को लेकर कुछ चीज साइमल्टेनियसली उसमें ऐड हो रही हो, कुछ चीज उसमें मल्टीप्लाई हो रही हो, या फिर उनकी पोजीशन के बेसिस पे हो सकती है वो रिलेशन, तो वो रिलेशन आपको इस पेयर में फाइंड करना होगा, और जो दिए गए ऑप्शंस में होगा उनमें से आपको इसके साथ वो पेयर का रिलेशन फाइंड करना होगा और आपको आंसर वहां पर करना होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 क्वेश्चन आपको यहां से एनालॉगी टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। मैंने इनके टाइप भी बता दिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर एंड लेटर सीरीज। तो नंबर एंड लेटर सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं यहां से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कौन सी सीरीज हो सकती है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी हो सकती है या फिर मिसिंग टंग सीरीज भी हो सकती है। अल्फा न्यूमेरिक अंडरस्टूड है, अल्फाबेट्स भी होंगे, न्यूमेरिक्स भी होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सिंबल हो, और उसी में क्या रहेगा? अल्फाबेट का रोल रहेगा। जैसे मैंने कहा, एक बार आपको लेटर्स की पोजीशन समझ में आ जाती है, लेटर्स जो पोजीशंस है उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करने लगते हैं, तो जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा इजी आपके लिए हो जाती है। लेकिन सर मिसिंग टर्म सीरीज क्या रहेगी? अब देखिए मिसिंग टर्म सीरीज क्या रहेगी, एक सीरीज आपको यहां पर गिवन है, इसमें नंबर भी आपको नजर आ रही है, अल्फाबेट भी, तो यहां पर इन नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, यहां पर इन फर्स्ट
लेटर्स के बीच में रिलेशन हो सकता है, यहां पर इन लास्ट लेटर के बीच में रिलेशन हो सकता है। इसी रिलेशन को फाइंड करके ये जो मिसिंग टर्म आपको गिवन है ये आपसे पूछ ली जाएगी, ये आपको बताना होगा कि मिसिंग टर्म की जगह क्या आना है। और जरूरी नहीं है कि ये लास्ट में गिवन हो, ये मिड में गिवन हो सकता है मिसिंग टर्म, या फिर पहले भी ये गिवन हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो समझ में आया अल्फाबेट एनालॉजी या फिर नंबर सीरीज से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पर क्या बताया गया, चूजिंग द ऑड नंबर, चूजिंग द ऑड नंबर या फिर चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप। अब यहां पर इन नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन होगा, इन तीन नंबर्स के बीच में रिलेशन होगा। अब इनमें से कोई क्या होगा, ऑड होगा, मतलब के बाकी जो तीन ग्रुप फॉलो कर रहे होंगे उस लॉजिक को, वो लॉजिक यहां पर वो वाला ग्रुप फॉलो नहीं कर रहा होगा। यानी कि ऑड का मतलब क्या हो गया, आपको उसी ऑड नंबर को पता लगाना है कि वो कौन सा ग्रुप ऐसा है जो दिए गए लॉजिक को, दिए गए पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अगर चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में, जहां पर इन ग्रुप में से एक ग्रुप ऐसा है, इन ग्रुप में से एक लेटर ऐसा है जो दिए गए लॉजिक या दिए गए पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि किस किस टाइप के पैटर्न एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, किस किस टाइप के पैटर्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पैटर्न्स पे बहुत अच्छे से वर्क किया गया है ताकि एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे। क्योंकि यहां पर जितनी ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, उतना ही ज्यादा इजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाते हैं। वरना इसमें ही आपको हार्डली थ्री से फोर मिनट्स भी एग्जामिनेशन में लग सकते हैं। और जबकि अगर आपको पैटर्न्स पता रहेंगे, किस किस तरीके से पोजीशनिंग होती है, किस किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं, तो वहां पर आप इजिली ने देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से ऑड है। वहां पर आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट मैं कहूंगा यहाँ पर ब्लड रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, लेकिन वो किस टाइप से बन सकते हैं, या तो वो क्या होगा, पजल फॉर्म में होगा, कुछ इस तरीके एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उनके बीच में रिलेशंस बताया जा रहा होगा कि ए बी का ब्रदर का भाई है, कुछ इस तरीके से वहां पर रिलेशन बताया जा रहा होगा पैसेज फॉर्म में, एक पजल फॉर्म में। या फिर क्या हो सकता है, इंडिकेटिंग फॉर्म में, कोई पर्सन ए है, कोई किसी पर्सन की वो फोटो बी को दिखाकर बोलता है कि ये मेरी मौसी की बहन है, यानी कि वो क्या हो गई, किसी पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। या फिर कोडिंग फॉर्म में, यानी कि ए प्लस बी, प्लस का मतलब यहां पर ब्रदर हो गया कुछ इस तरीके से, माइनस का मतलब सिस्टर हो गया, इस तरीके से कोडिंग यहां पर कर दी जाएगी। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेशन से बनते हैं। तो ब्लड रिलेशन से भी दो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। मूव करेंगे आगे, नेक्स्ट क्या है यहां पर, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। कौन से वो तीन टाइप है, लेटर एंड वर्ड बेस्ड कोडिंग जो कि बहुत इजी रहने वाली है आपके लिए, फिक्टिशियस लैंग्वेज। फिक्टिशियस लैंग्वेज क्या होता है, मेरे एक तरीके से फिक्शन। फिक्शन क्या होता है, जो हम इमेजिन करते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन होती है उसे हम फिक्शन बोलते हैं। तो इसी तरीके से फिक्टिशियस लैंग्वेज क्या हो सकती है, मिन बिन टिन, ये एक फिक्टिशियस लैंग्वेज होगी, जिसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, माई ट्रेन रन। तो यहां पर मी, अब आपको देखिए एक फिक्टिशियस लैंग्वेज से एक कोड आपको दे दिया गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस लैंग्वेज बोलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड कंडीशन, यहां पर थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर जी जो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं, जिन टॉपिक्स और टाइप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यहीं से आप इजीली 17 से 18 क्वेश्चन बहुत ही इजीली और आराम से कवर कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे अगर शुरू से स्टार्टिंग से आप वर्क कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारे लिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्या रहने वाला है, या तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना देखने को मिले, या फिर एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको बताया जाएगा कि एक पर्सन फर्स्ट पहले नॉर्थ की तरफ चलता है, फिर साउथ, इस तरीके से उसने टर्न लिया। तो यहां पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अब आपसे पूछ लिया जाएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो समझ में आ गया आपको, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों का रोल, डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में बताई जा रही है। नेक्स्ट क्या है, सिंबल नोटेशन।
तो सिंबल नोटेशन में कैसे रहते हैं क्वेश्चन, जो आजकल जो नया एग्जाम पैटर्न आया वो किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर एक स्टेटमेंट दे दी गई, अब सिंबल नोटेशन आपको दिख रहा होगा, सिंबल आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पर ये क्या मतलब है, एफ का रिलेशन जी के साथ ये है, जी का रिलेशन एच के साथ ये है, एच का रिलेशन जे के साथ ये है, एच का रिलेशन आई के साथ ये है। तो अब ये बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एफ का रिलेशन क्या जे के साथ ये होगा, आई का रिलेशन जी के साथ ये होगा, जे का रिलेशन आई के साथ ये होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंबल नोटेशन में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे सामने नॉन वर्बल रीजनिंग। अभी तक हम वर्बल की बात कर रहे थे, नॉन वर्बल में आपको क्यूब एंड डाइसिस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां पर दो क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन बनता है, हिडन इमेडिएट फिगर से बनता है, फिगर काउंटिंग से बनता है, एनालॉगी नॉन वर्बल या फिर क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। ये सारी क्या रहते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इनकी भी अपनी ट्रिक्स होती है। सपोज फिगर काउंटिंग का एक एग्जाम्पल मैं लू, एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल के बीच में अब क्या दे दिया, काफी सारे आपको ट्राइंगल दे दिए जाएंगे और अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। अब आप क्या इसे ट्रेडिशनली काउंट कर सकते हैं, ट्रेडिशनली अगर आप काउंट भी कर सकते हैं तो एग्जामिनेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। एग्जामिनेशन में आपने अगर 5 से 6 मिनट सिर्फ इसी एक नंबर के क्वेश्चन पे लगा दिए तो बाकी क्वेश्चन का क्या होगा। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, एक ट्रिकी सेक्शन को ट्रिक से ही सॉल्व करना होगा, इन सब की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन चूजिंग द ऑड वर्ड। तो क्लासिफिकेशन के अभी हमने पहले भी एग्जांपल देखे, या तो यहां पर क्या क्वेश्चन बन रहा होगा, चूजिंग द ऑड वन बन रहा होगा क्लासिफिकेशन में, या फिर चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप, या फिर चूजिंग द ऑड नंबर। ये सारा पार्ट किसका है, क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, वर्ड बेस पे, लेटर बेस पे, या फिर नंबर के बेस पे। वर्ड बेस पे आई का रिलेशन आई सी, एयर हेयर, हेयर एयर, स्मेल नोज, टच स्किन, टंग टेस्ट। तो अब आपको बताना है कि दिए गए ग्रुप में से ऑड कौन सा है। जैसे कि आप देखेंगे आई की फंक्शन क्या है, देखना सी, एयर की फंक्शन क्या है, सुनना हेयर, नोज की फंक्शन क्या है, स्मेल, स्किन की फंक्शन क्या है, टच। जैसे आप टच करेंगे सेंसिटिव रहेगा, लेकिन यहां पर आप देखिए रिवर्स नजर आ रहा होगा। अब आपको पहले उनकी फंक्शन दी गई है, फिर वो आपको दिए गए हैं बॉडी पार्ट्स। अब यहां पर क्या दे दिया गया, फंक्शन तो हमारी राइट हैंड साइड पे है और जो हमारा पार्ट है वो किधर की साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि यही ऑर्ड है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहीं से आपको 17 से 18 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे रीजनिंग सेक्शन से। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर करा, SSC CHSL के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है, कितने टायर में एग्जामिनेशन होने वाला है, या फिर किस टायर के लिए क्या सिलेबस हमें रहेगा। और सिलेबस देखने के बाद, एक डिटेल सिलेबस के एनालिसिस के बाद हमने देखा कि उसमें से कौन से टॉपिक का क्या वेटेज रहेगा और जो से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनमें से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और किस टाइप के एग्जामिनेशन में जो टाइप है वो आने वाले एग्जामिनेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और मैंने जैसे आपको बताया इस कोर्स में वो सारी फीचर्स हैं जो आपके और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं फिर बात करूं आपके कंसेप्ट क्लियरिंग की, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी की, आपके प्रैक्टिस की, या फिर आपके रिविजन की, आपका रिविजन के लिए भी आप एक प्रिसाइज सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपने हर एक टॉपिक को, हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट ट्रिक को इजिली टाइम फ्रेम में रिवाइज कर सकें। और साथ ही साथ आप अपनी जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस, कौन से एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया आपका भी वीक है, उन सबको इजीली एनालाइज कर सकते हैं, उन सबको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर शेयर की जाती है। आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ क्विज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी पीडीएफ आपको दी जाती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इस सेशन में कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। SSC CHSL के एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे उसके सिलेबस की बात कर जाए या फिर क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन, लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।